भाजपा की ओर से प्रतिवर्ष 11 फरवरी को चलाया जाता है सहयोग निधि अभियान। तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा एवं पूर्व विधायक भयालाल पटेल एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया कि भाजपा की ओर से प्रतिवर्ष यह अभियान चलाया जाता है, जिसमें सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ अभियान में कार्य करते हैं। उन्होंने ग्राम बिल्हारा में पार्टी के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठजनों से चर्चा के उपरांत आजीविका सहयोग निधि के लिए आग्रह किया। माननीय अध्यक्ष जी, जो है भाजपा की तरफ से समर्पण निधि का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और कितना टारगेट आपको दिया गया है, क्योंकि जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रतिवर्ष हम लोग आजीवन सहयोग निधि 11 फरवरी से प्रारंभ करते हैं। इसको हम समर्पण निधि के बोलते हैं। जी जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष, और हम लोग ये शपथ लेते हैं कि आजीवन हम ये निधि देंगे। कोई लक्ष्य ऐसा टारगेट नहीं है, हर साल ये बढ़ के हमको टारगेट मिलता है और हम लोग बड़े उत्साह से ये हर्षोल्लास के साथ ये काम करते हैं। आज ग्राम बिलहरा में भी मैंने अपने कुछ मित्रों से, कुछ भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से और गांव के प्रमुख लोगों से चर्चा के उपरांत मैंने आग्रह किया कि पार्टी में आजीवन सहयोग निधि में हमें सहयोग करें, और लोग बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। तो मैं तो आभार व्यक्त करता हूं ऐसे द्योतुल्य कार्यकर्ताओं का कि जो दिन रात मेहनत करके, आपने अभी देखा कि बूथ विस्तारक योजना में हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके वो अभियान सफल बनाया। निस्संदेह हम लोग आजीवन सहयोग निधि में भी पूरा हमें जो प्रदेश से लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य की पूर्ति करेंगे, और इस लक्ष्य की पूर्ति में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक और इस विधानसभा के प्रभारी पूर्व विधायक माननीय विजयराम पटेल जी भी हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और इस अभियान को पूरा सफल बनाने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जी जी, और आने वाला समय निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समय है, आजीवन सहयोग निधि के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। तेंदुखेड़ा से पतिराम पटेल की रिपोर्ट।